बस ये अटैचियाँ पैक करके कल सुबह सुबह निकलना है। मगर जाने से पहले मिस्टर सिंह के यहाँ जाना है, बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम निपटाने के लिए। हम माता जी मैं ज़रा चला, क्योंकि फिर अभी हो सकता है वो काम। ठीक है, चलो ओके। सुबह इसलिए हो गई क्योंकि मैं सुखिंदर सिंह जी के घर जब पहुंचा तो उन्होंने कहा अब तो मैं कपड़े बदल के सो गया, मैं एक्चुअली थोड़ी लेट हो गया था, तो इसलिए हमने प्रोग्राम फिर सुबह का रख लिया। ये गाड़ी तो अंदर रख दी और दूसरा काम जो अपनी इनोवा हाथी लिया है 15 लाख का, जो 15 दिन भी नहीं चला, उसको ठिकाने लगाने जाना है हमारे प्लॉट पर, जिसके लिए मिस्टर सुखिंदर सिंह आप पधार रहे हैं। सर जी गुड मॉर्निंग, पैसा है फड़ो। सवेरे सर तुसे की ब्लैक लेबल दे रहे हो सर। सर तुसी छेड़े गए थी की करी है थी है सरदार जी, पर सामान लेके नहीं गए थे अभी तक। भाई जाम बहुत है रोड पे इस वाली, जो आप स्कूल्स खुले हुए हैं क्योंकि सारी सड़कें टूटी हुई हैं। फिर वो तो सोचते हैं मगर ये क्या सीन है ये? सर ये सीन इसका सीन है सर, जबरदस्ती पैसे दे रहे हैं इस बार शराब की। नहीं नहीं सर, आपको जबरदस्ती नहीं, आपसे बोल के मंगाई थी सर। चलो ठीक है, बट अभी ये अभी भी कम ही दे रहा हूँ सर। है? नहीं नहीं ठीक है कोई बात, मैं 44 दे रहा हूँ आपको। तो 44 की तो थी? नहीं नहीं 46 लिखा हुआ है इस पे। 46 लिखा हुआ है, जो भी है चलो कोई बात नहीं। 44 ही बोला था इसलिए मैंने 44 कहा था आपको। हाँ मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। आज तक अभी फरीदाबाद में ऐसा 15 सेक्टर का जाम देखा, मेरे को लग रहा है स्कूल का ट्रैफिक लग गया है। बट इसीलिए सरदार जी ने फैसला यह किया कि गाड़ी आप मेरे घर लगाओ, क्योंकि सरदार जी घर पास में ही है। सर जी ये गुलाटी साहब की अमानत है, ठीक है। इसमें शायद मटन आया था। बाकी सर आपने आज बोला नहीं जल्दी जल्दी में। चलो सर चलो चलो जी। कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो? सर इंडिगो से जा रहा हूँ। बजट एयरलाइन है, मगर जहाँ टांका लगाते हैं, टांका तो क्या लगाते हैं उनकी पॉलिसी है, बट एयरलाइन वालों को भी क्या बोलना है बेचारों को। ये तो है नहीं कि चुपके से चार्ज ऐड कर रहे हो, इनका नुकसान भी बड़ा हुआ ना सर पैंडेमिक में। चलो मैंने सारा बेस बना दिया, असली बात पे आ जाता हूँ। असली बात ये है कि टिकट तो है 5,000 रुपए की नेपाल जाने की। काठमांडू जा रहा हूँ जी मैं अभी, फटाफट बस निकल रहे हैं सेंट्रा के बस पहुंचने के लिए। बट कहते हैं बैगेज में 20 किलो का एक बैग अलाउड है और 7 किलो का कैरी ऑन। अभी हमने आगे जाना है काफी, तो हमें जो है बैगेज एक्स्ट्रा चाहिए था। तो मैं जब वेबसाइट पे गया तो उसमें लिखा हुआ था add-ons, कि 900 रुपए में बैगेज ऐड कर लो। मैंने कहा ठीक है 5,000 की टिकट है, 900 में 20 किलो का बैग एक और ऐड। मैंने 2 बैग ऐड कर लिए, मैं कहा एक मम्मी का एक मेरा, जो कैरी ऑन होते हैं उनके अंदर भी हम 10-10 किलो सामान डाल के ठूस देंगे, हमारे 2 चेक इन बैग। और बाद में पता लगा कि वो तो सिर्फ बैग कैरी ऐड करने का है, उसमें वजन नहीं है अभी, ये खाली बैग के पैसे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपका वेट 20 किलो से 22 किलो हो रहा हो तो 2 किलो आप दूसरे में शिफ्ट कर लो, मगर क्योंकि एक में 20 किलो अलाउड है, मगर उस 2 किलो में पैसे अलग से देने हैं। हाँ, और अगर पूरे 20,000 लेके जाए, 20 किलो लेकर बैग लेके जाना ना एक और एक्स्ट्रा, हाँ तो 12,000 रुपए है उसके, और टिकट 5,500 रुपए की है। तो इन्होंने एयरलाइन से पॉलिसी इस हिसाब से चेंज कर दी है कि एक्स्ट्रा बैग आप ऐड करो तो खून के आंसू निकल आए आपके। तो आपके कितने पैसे लगे नटशेल में ये बता दो। ये नहीं बताता क्योंकि मम्मी वीडियो देखती है। बहुत लग गए, कहने का मतलब है कि जितने की टिकट है उससे ज्यादा लग गए एक बंदे के एक्स्ट्रा एक बैग ऐड करें, हम दोनों के होने हैं। इसका मतलब आपने आंटी जी को इसमें घोल झोल करके बताया कि ओके सर जी थैंक यू सो मच। चलो सर थैंक यू सर, जल्दी मिला होगा, बस भगवान से यही दया है दुआ है कि भाई आगे अगली बार सेंट्रा साथ आ जाए सर। वीजा लग जाए उसका, कबूल हो सर सबकी। ये वेट चेक करने का जो वाड़ा सेंट्रा के पापा का यहाँ रह गया हमारे काम आ रहा है। ये मेरी वो ग्रीन स्क्रीन है जिसपे मैंने चीपेस्ट फ्लाइट्स टू यूरोप कैसे ले वो वीडियो बनाई थी, जिसपे ज्यादा खास व्यू नहीं आए वो, मगर जबरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इसका मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ, आप देख सकते हैं ऑल द सीक्रेट्स ऑफ माय चीप फ्लाइट बुकिंग्स जो मैं कराता हूँ। बट अभी मेरे को यूट्यूब से एक ये डब्बा पहुँचा है, बिल्कुल टाइम पे आ गया मेरे निकलने से पहले। इसको खोल के देखे इसके अंदर क्या निकलता है अंदर से। ओए ओए क्रिएटिव फॉर इंडिया, क्या बात है, खोल के देखा जाए इसको।
चीज है। अरे वाह, अरे हमारे बहुत सारे क्रिएटर्स की फोटो लगी हुई है इस पे। पूरी डिटेल बताई हुई है कि कैसे इंडियन क्रिएटर्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बहुत सारी क्रिएशंस करी हैं और कितना जो है इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि मम्मी पैसे जो आते हैं वो आते हैं यूएस डॉलर में, हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो फॉरेक्स भी आती है ना कंट्री के अंदर। बहुत सारे लोगों ने करियर बनाया है, हमारे जैसे जर्नी बनाई है लोगों को, कई लोगों को फ्रेश स्टार्ट मिली है, कई लोगों को जिंदगी में सेकेंड स्टार्ट मिली है, करियर चेंज करने की, वो काम करने की जो वो करना चाहते हैं फ्रीडम मिली है, तो इट्स रियली नाइस। इतने मम्मी ने नवे नवे चश्मे तो देखो जरा, धूप से बड़ा बजा रहा है, मैंने तो आंख मेरी खुलती नहीं है। ओए आप तो सिल्वर फ्रेम कपड़ों के साथ मैच कर गया है। अच्छा मम्मी तो ट्रैवल मोड में आ गई है। चलो बैठो बैठो बैठो, आ गई आ गई। बहुत टाइम घर में मम्मी ने काटा बेचारी ने अकेले, वो बहुत ज्यादा। चलो जिन दीदी के घर में हम अभी रहते हैं ये उनका घर है, बस यहाँ पे मैं चाबी पकड़ाने आया हूँ ताकि पीछे से कोई काम हो बीच में। ये कहते हैं कि हम भेज देंगे सफाई के लिए ना किसी को, 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर एक बार राउंड लगता रहेगा, ताकि अगर सैंड्रा का वीज़ा लग गया और हम वापस इंडिया आए तो घर थोड़ा साफ सुथरा हो। ये भी फिर आप दे देना, हम तो लेट हो गए क्योंकि दीदी अभी है नहीं, तो फिर आप उनको दे देना। ठीक है मम्मी, सैनिटाइजर ले आई है, ये फेंकना पड़ेगा, 50 बार फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हो, पता है इसमें लीक नहीं जाता। ये जब भी मैं कहीं जाती हूँ ये पर्स ले जाती हूँ ना, तो अभी आपने जबरदस्ती निकाल के इसलिए लगाई है ना कि चलो थोड़ी वसूली हो जाए। मुझे लगानी थी भैया, आंख के लिए ध्यान करना पड़ता है। ये पिच की बोतल इसमें इसलिए रखी है क्योंकि अंदर पानी की बोतल तो सिक्योरिटी क्लियर करेगी नहीं, मगर अंदर पानी भरना हो सस्ती एयरलाइन में पानी के ही पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें अंदर फिल्टर से भर लेंगे। अब जी जो कैरी ऑन है उसके अंदर भी 7 किलो अलाउड है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा बैग ना बंदा खरीद के अगर उसमें ही 5-1 किलो ऐड कर ले तो 2,500 पैसे दे के कर सकता है, बट हमारा क्योंकि एक्सेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा वेट था तो हमने वो भी फ्लाइट में भेज दिए, तो उसके लिए 900 रुपये ईच जो है चेक इन बैग ऐड करने के लिए होता है। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कैरी ऑन जो फ्लाइट में साथ जाता है, चेक इन जो कि अंदर कन्वेयर बेल्ट पे जाता है और बाद में लगेज में मिलता है। मम्मी के बैग में आईपैड इंसुलिन सारा मामला लोडेड है। हाँ आपका वो फेंकना पड़ा सैनिटाइजर, वो मैंने उसमें डाल दिया डस्टबिन में पहले ही लगेज में, और मम्मी पूरी फुल बचत। अच्छा वहीं पे मेरे को पता नहीं, मैं चेक इन कर रहा हूं, मम्मी स्मगल कर दिया था। शाबाश, बोलता छोड़ो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। और जब पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं ना कई चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि मम्मी की शुगर कई बार लो हो जाती है, तो इसीलिए उनकी वो ना हो तो खाने के लिए हर टाइम कुछ चीज़ अवेलेबल हो, क्योंकि फ्लाइट बजट एयरलाइन में कई बार स्नैक्स सैंडविच ढंग के अच्छे मिलते नहीं हैं, उन्होंने हर थोड़ी देर में आँख में दवाई डालनी है, कभी दवाई लेनी हो तो जो है पानी की बॉटल हमेशा पास होनी चाहिए। माता जी के लिए उनकी फेवरेट इडली ले ली है मैंने, 250 रुपये के आसपास ये 3 इडली वाली मील पड़ी है, मगर एयरपोर्ट की मेन्यू ओबियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उनका किराए बहुत पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनोज का जो सबसे छोटा पिज्ज़ा आता है वो भी 250 रुपये का। नोज़ी ढकें, सांस लेना मुश्किल। एक्सक्यूज़ेस। चश्मे पे वो भापती जा रही है। ओके हाँ अच्छी होगी, वेरी गुड। वीडियो जी बहुत लंबी हो जाती है इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम नेपाल पहुंचेंगे, आपको भी दिखाएंगे थोड़ा, खुद भी देखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन और आगे उसके बाद का क्या प्लान है काफ़ी बड़ा, वो भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा मोमोज खाने। भूख लगी।